गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ सब ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी। हाँ, 7:30 ही हो रहे होंगे। तो हम लोग आज सवेरे उठ गए थे क्योंकि आज मम्मी पापा को लेके जा रहे हैं हम घूमने। थोड़ा तो घूमने जा रहे हैं हम, अभी आपको ब्लॉग में दिखी जाएगा। तो पूरी फैमिली जा रही है, गाड़ी बुक कर रखी है और पूरी फैमिली जा रही है। तो अभी इधर भी नहा तो हम गए थे लेकिन कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए अभी। और मेरी जुड़वी भी तैयार हो रहा है, उसको उसकी नानी तैयार कर रही है। तो चलो अभी थोड़ा तैयार व्यार होके फिर मिलते हैं आपसे। मम्मी तो हो गई है तैयार, तो हम थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, ठीक है? सब तैयार हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव। तो पूरी फैमिली जा रही है पहली बार साथ में। पापा घर पर रहेंगे और बाकी सारे जा रहे हैं। तो दुर्वी भी आज दुर्वी भी जा रहा है क्योंकि मौसम अच्छा था। हमने कल रात को प्लान किया था अगर बारिश वाला मौसम होगा तो फिर दुर्वी को घर पे दादू के साथ रखेंगे वरना उसको लेके जाएंगे। तो आज मौसम अच्छा है और सारे घर वाले हैं साथ में, तो मैंने सोचा चलो दुर्वी को भी लेके चलते हैं। तो तैयार व्यार हम लोग हो ही गए हैं। मैं आपको दुर्वी का लुक दिखाती हूँ। ये देखो मेरी दुर्वी, मेरी दुर्वी की लग रही। हाय कर दे, हाय करो, हाय कर दे। नहीं कर रहा अभी, अभी मूड नहीं है, बाद में कराऊंगी, ठीक है उसका। हाय। तो अभी हम लोग निकलते हैं ऊपर तक। चुके हैं और यहाँ पे देखो जाम लग गया है ये, तो गाड़ी रोक दिया। और यहाँ से मैं आपको ये दिखाती हूँ, जो धारी देवी में जो नदी जाती है ना वो दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ सामने से। आजकल पानी बरसात की वजह से काफी ऊपर आ रखा, बिल्कुल आगे तक। यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, बहुत ज्यादा पानी आ रखा, बहुत ही ज्यादा। टाइम जो ये नदी होती है सिर्फ बीच बीच तक होती है लेकिन बरसात में पूरी इधर फैल जाती है और काफी गहरी हो जाती है साथ में। तो सारे उतर गए हैं बाहर, यहाँ पे देख सकते हैं आप सब बाहर उतर के देख रहे हैं। और मेरा दुर्वी भी उठ गया है गाड़ी में, एकदम से वो सो गया था लेकिन उठ गया है। जनाब भी उठ गए हैं। तुम भी देखोगे बाहर आ जाओ। पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे और यहाँ से पैदल जाने का रास्ता है जहाँ तक गाड़ी में आना था वहाँ तक तो हम आ गए। अब यहाँ से जाना नीचे को पैदल। नीचे गदरे में गया मंदिर है? नीचे गदरे में? नीचे हाँ गदरे में, गदरे में ऐसा रखना। हाँ मम्मी का तो मायका ही साइड होगा, मम्मी का मंदिर यही पड़ता है। मेरी मम्मी का मायका ही रुद्रप्रयाग साइड है, शायद आप लोगों को पता नहीं है। जो जो लोग मेरे को देख रहे हैं तो जैसे मेरा जो वो है मेरा मायका तो इधर है पाव पठान साइड, फिर मेरे ससुराल श्रीनगर साइड और मेरी मम्मी का मायका है इधर रुद्रप्रयाग साइड। तो मम्मी और का मंदिर यही पड़ता था, तो मम्मी पहले आ रखी है, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम। हाँ बाकी सारे मम्मी और बाकी सारे आ रखे हैं पहले भी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धूप भी लग गई है बहुत तेज, टाइम पे चले जाते हैं नीचे। और हम आ गए यहाँ, लेकिन यहाँ देखो भाई साहब पानी का बहाव इतना तेज हो रखा है क्या बताऊँ मैं। लहरें कितनी खतरनाक खतरनाक आ रही हैं देखो। Thank you.
पहाड़ों के बीच से। ये देखो पहाड़ों के बीच से आ रहा है पानी, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हम चलते हैं शिव जी की गुफा में अंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा यहाँ है शिवलिंग, वैसे शिवलिंग यहाँ है इस मंदिर में, इधर को अंदर को। बोले बाबा जितना सोचा था जितना चाहा है उससे कई गुना ज़्यादा दिया आपने, बस ऐसे ही हमारे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखना। और ध्रुवी के पापा अभी तक ड्यूटी पे हैं, उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो वहाँ पे अकेले पड़ गए हैं। मेरे साथ तो पूरी फैमिली है लेकिन वो वहाँ पे अकेले हैं, तो उनका ध्यान ज़्यादा रखना। और बस इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जितना थैंक यू करूँगी उतना कम है क्योंकि बहुत दिया आपने, सच में बहुत ज़्यादा दिया है। हाँ मंदिर में आज इतना अच्छा लग रहा है ना, सच में मन तृप्त तृप्त जो बोलते हैं सब हो गया है। ओ, मेरी चुनरी में चांद सितारे, भोले बाबा डमरू वाले, मेरी चुनरी में चांद सितारे, भोले बाबा डमरू वाले, जय भोलेनाथ की। हम लोग शनिदेव के मंदिर में आ रहे हैं, यहाँ पे देखो शनिदेव का मंदिर है। अभी हम लोग ने जलेबी करवाई है तो सब बैठ गए हैं यहाँ पे जलेबी खाने के लिए, ऊपर से गर्मा गर्म जलेबी और करारी करारी है। इसका स्वाद ज्यादा इसलिए भी आएगा क्योंकि हमारा फास्ट था सवेरे से, तो अब जाके हम जलेबी खा रहे हैं। आज आप लोग भी एंजॉय करो। मम्मी यार उतना ही सोना उतनी जलेबी उसके पास में अखिल मिल गया यार, बीच में कट करेगा गिराने पकड़ो ना, ऐसे डर क्या रहे हो जैसे ये बन क्या रहे हो हीरो तो चीज ढूंढ दे फिर उसको साइड रख दे। अच्छा देखिए गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कोटेश्वर महादेव की ये पूरी कथा, तो यहाँ पे पढ़ लेना आप लोग ठीक है अच्छे से। मेरे से बोला नहीं जाता तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने आपको ये क्यों दिखाया। इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे भी यहाँ की कथा नहीं पता थी कि किस हिसाब से मंदिर बना था, किस हिसाब से बना था, कुछ पता नहीं था। मैं भी फर्स्ट टाइम आई यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पढ़ के मुझे तब पता चला, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया। दोस्तों वहाँ से तो हम आ गए थे शिवालय के दर्शन करके और उसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ धारी देवी। धारी देवी के बारे में आप लोगों ने पहले भी काफी सुना होगा, तो हम अब धारी देवी जा रहे हैं। और जब ध्रुवी नहीं हुआ था उस टाइम पे मेरी मन्नत थी कि ध्रुवी हो गया है अच्छा खासा, तो अब जब इसके पापा आएंगे तो हमारे पूरा परिवार एक बार वो करवाएंगे, यहाँ जितना हो पाएगा हमसे वो करवाएंगे। तो अभी ध्रुवी के पापा तो आए नहीं, जिस दिन ध्रुवी के पापा आएंगे उसके दूसरे तीसरे दिन हम तुरंत यहाँ आ जाएंगे, मैं और ध्रुवी उसके पापा। और अभी मैं मम्मी और उनके साथ जा रही हूँ, सारे आ रखे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी चल जाती हूँ दर्शन करके आ जाती हूँ माता रानी के, कि सुख शांति मेरे पति को घर भेज देंगी, उसके बाद हम जरूर आएंगे एक बार। तो अभी फिलहाल मैं अपने मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। इतना सुंदर बन गया, कुछ अलग ही बन गया यहाँ पे मंदिर, पहले ऐसा नहीं था। जब मैं आई थी तो मेरी शादी को 2 साल हो गए, 2 साल पहले आई थी मैं यहाँ, तब ऐसा नहीं था, एकदम से चेंज हो गया, इतना सुंदर बन गया है, बहुत ही सुंदर। दोस्तों हमने अंदर पूजा वगैरह करवाई और उसमें मंदिर की फोटो वगैरह नहीं खींच सकते थे तो उसका पालन किया और मंदिर की फोटो वगैरह नहीं खींचते अंदर से। तो बाकी बाहर से आपको ऊपर से दिखा दूंगी मंदिर, ऊपर से प्रॉपर मंदिर दिखता है ना। अभी हम सारे यहाँ पे थोड़ा बाहर आ गए तो थोड़ा फोटो वगैरह खींचते हैं और फिर निकलते हैं उसके बाद यहाँ से। Thank you.
पिछली बार आए थे यहाँ पे तो उस टाइम पे गंगा यहाँ तक नहीं आई हुई थी, तो उस टाइम पे हम नीचे गए थे, हमने वीडियो वगैरह वहाँ पे शूट की थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। नहीं, उस टाइम तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, मैं शादी के तुरंत बाद आई थी ना, शादी के दूसरे दिन आते हैं हमारे यहाँ की देवी यही है धारी देवी, तो हमारे यहाँ शादी के बाद तुरंत आते हैं यहाँ पे, और उस टाइम पे यहाँ पे पानी नहीं था तो यहाँ पे हम गए भी थी। और यहाँ से देखो पूरा ऐसा है धारी देवी का मंदिर, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से। एकदम से बारिश आ गई है बहुत ही तेज वाली, और वहाँ पे बगड़ आ गया, पर हमें दूसरे रास्ते जाना पड़ेगा। गाइस बारिश इतनी तेज हो गई है कि बाहर ना पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, और यहाँ पे कितना बड़ा बगड़ आ रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। वो देखो ये है बगड़ पूरा। तो फाइनली हम हमारे घर पहुँच गए, और सच में कोई यकीन नहीं करेगा लेकिन यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हुई। और अगर हम किसी को ऐसे बोलेंगे कि हमारे रास्ते में बगड़ टूट गया था, इतनी खतरनाक बारिश हुई थी, कोई यकीन नहीं करेगा। अगर वीडियो देखेगा तब जाकर उसे पता चलेगा हाँ सच में हुई थी। बाकी सब चले गए हैं, देखो आगे लगे हुए हैं, और ऊपर से हमारी भैंस के जाने का टाइम भी हो गया आज। और टाइम कितने बजे पे जाते हैं मम्मी हम भैंस? साढ़े चार। आज कितना हो गया टाइम का? चार बजे पे जाते ना, आज पूरा एक घंटा ऊपर हो गया, साढ़े पाँच हो गए, घर पहुँचते पहुँचते छह बजे जाएंगे। कभी लेट भी नहीं। सब तो घर को निकल गए हैं और मैं बुआ जा रहे हैं पंदेरे, क्योंकि हमारे पास एक बोतल खाली थी, तो हमने सोचा कि हाथ मुंह धोके भी चले जाएंगे यहाँ से पंदेरे से, साथ में सबके लिए ठंडा पानी भी ले जाएंगे ना, क्योंकि सवेरे से तो हम कोई घर पे था नहीं, तो पानी भी नहीं आया होगा आज पंदेरे से। और वहाँ के पानी में स्वाद ही नहीं लग रहा, क्योंकि आज पड़ जाती ना हर जगह के अलग अलग पानी की, हमें वहाँ का पानी अजीब सा लग रहा था, बाजार का ना श्रीनगर का अजीब सा, आपको भी लग रहा था नमक नमक जैसा, वो पता नहीं नमक नमक जैसा हो रहा था, हमें पड़ के ठंडे पानी की आदत, साफ सुथरे पानी की आदत, तो जैसे स्टोर वाला पानी वो वैसे ही बेकार लगने लग जाता है। तो मेरे फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म होने को होगी, शुक्र है इस फ़ोन का भी कि सवेरे से, मतलब सवेरे में इसको 70% करके लेके गई थी, और अभी ये 7% हो गया, 6% हो गया है, तो इतना लंबा चला बहुत बड़ी बात है, इतना भी चला। तो वैसे मैं चार्जर लेके गई थी, पर चार्जर को कोई काम ही नहीं आया, क्योंकि जहाँ हम गए हुए थे पहले तो गाड़ी में इसका वो ही नहीं, इस केबल का वो ही नहीं था जिस पे लगाते हैं, और उसका जो अभी हमें एक दुकान पे रुके थे हम लोग, तो वहाँ पे लाइट ही नहीं थी, तो फिर ऐसे ही चला चला के बड़ी मुश्किल से चल चल के आ गया है, तो इस फ़ोन का भी शुक्रिया। और अब हमारा पानी भर गया है, तो हम लोग भी चलते हैं घर, और थोड़ा रेस्ट वगैरह करूँगी, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो ये एंड करूँगी। ठीक है,